खबर आ रही है जहां देर रात प्रतापगढ़ में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार की कहर के चलते 14 बारातियों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बारात से लौट रही अनियंत्रित कार सड़क के किनारे खड़ी ट्रक में जा घुसी। मृतकों में 6 किशोर भी शामिल हैं। घटना पर उत्तर प्रदेश सीएम ने शोक जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक ड्राइवर को झपकी आ गई, इससे ये बड़ा सड़क हादसा हुआ। सभी नवाबगंज इलाके से एक बारात में शामिल होकर लौट रहे थे। एसपी अनुराग आर्य ने 14 लोगों की मौत की पुष्टि की है। हादसा प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर मानिकपुर इलाका देशराज के इनारा में हुआ। घटना के बाद परिजनों में मातम का माहौल छा गया। मृतकों में 12 बाराती कुंडा कोतवाली के जिगरापुर चौसा गांव के रहने वाले हैं, जबकि बोलेरो चालक समेत 2 लोग कुंडा इलाके के अन्य गांव के रहने वाले बताए गए। सूचना मिलने के बाद एसपी सहित भारी पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बोलेरो गाड़ी को गैस कटर से काटकर सभी 14 लोगों के शव को बाहर निकाला। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शवों को सुबह पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ये घटना मध्य रात्रि के आसपास की हुई।